गोंदिया में रंगोली महोत्सव में देवी देवताओं, बॉलीवुड कलाकारों और उद्योगपति रतन टाटा की रंगोली बनाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दो दिवसीय महोत्सव में हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ कलाकारों ने रंगोली के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया। गोंदिया में हर साल की तरह इस साल भी ड्रीमलेस ग्रुप और हनुमान चौक मित्र मंडल की ओर से रंगोली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली कलाकारों ने देवी देवताओं की रंगोली बनाई। कलाकारों ने श्री कृष्ण, महालक्ष्मी के साथ साथ सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकारों अमिताभ बच्चन, जॉनी लीवर, देवराज और पुष्पराज का चित्रण रंगोली के माध्यम से किया। इसके अलावा उद्योगपति रतन टाटा और गोंदिया भंडारा जिलों के नेताओं की तस्वीरों को भी रंगोली में उकेरने की कोशिश की गई। यहां पे परसों से यहाँ पे रंगोली का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे मतलब गोंदिया का कहना चाहिए पूरा जो गोंदिया हमारा परिसर है, सिविल लाइन एक ऐसा परिसर है जहाँ पे सभी पूरे गोंदिया के नगरवासी इस परिसर पर आते हैं और हमारी भारत की जो परंपरा है उसको जीवित रहने का ये महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन में ये सब परंपराएं विलुप्त होती जा रही थी। इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा सिविल लाइन परिसर द्वारा रंगोली का प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। वर्षानुवर्षापासून ही परंपरा चालत आहे आणि त्या परंपरेला आता एक वेगळी छटा मिळाली आहे। लक्ष्मी पूजन आणि रंगोळीचे रंग या रंगाच्या माध्यमातून इथे खूप लोक जमा होतात। पूर्ण गोंदिया शहर आणि आता पाहता पाहता ग्रामीणचे लोक सुद्धा येतात। दिवाळीचं दिवाळी पण आणि रंगोळीचे रंग असं एक सुंदर मिलन इथे राहते आणि त्या माध्यमातून सर्वांना आम्ही दिवाळीची शुभेच्छा सुद्धा देतो। गोंदिया के मामा चौक में इस वर्ष पहली बार रंगोली महोत्सव का आयोजन हुआ। रंगोली कलाकार धर्मराज काले ने उद्योगपति रतन टाटा की रंगोली बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 9 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की। स्वर्गीय रतन जी टाटा यांची रंगोली काढलेली आहे, मी पोर्ट्रेट काढलेली आहे आणि सर्व नागरिकांना एक स्वाक्षरी मोहीम, त्यांना भारतरत्न अवॉर्डेड आणि 9 ऑक्टोबरला नॅशनल हॉलिडे घोषित कराल याची मागणी आहे। याच्या कारणाने आम्ही स्वाक्षरी घेतलेली आहे। आणखीन सर्व नागरिकांनी मिळून आम्ही त्यांना एक श्रद्धांजली दिलेली आहे, कारण की त्यांचे व्यक्तिमत्व आणि जे त्यांचे कार्य होते ते वेळात आम्ही त्याला व्याख्यान नाही करू शकत। आम्ही त्यांचे एवढे मोठे काम होते। यहाँ आप देख ही सकते हो कि दिवाली में कैसे सब लोग रंगोली देखने के लिए उमड़ते हैं, लाखों में भीड़ जमा होती है। गोंदिया में ये दिवाली रंगों की दिवाली हो गई है, आर्टिस्ट बनाते हैं, सब उत्साहित रहते हैं रंगोली देखने के लिए कि इस बार क्या बन रहा है दिवाली में। दो दिन तक चलने वाले इस रंगोली महोत्सव में गोंदिया शहर के हजारों नागरिकों ने भाग लिया और रंगोली कलाकारों की कला को सलाम किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ कलाकारों ने रंगोली के माध्यम से मतदाता जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया।